Good morning everyone. In this video, we will try to understand Ramgarh state, Ramgarh Raj. Now, Ramgarh state, जो टेरिटरीज है रामगढ़ स्टेट का टेरिटरीज विच कंप्राइज द रामगढ़ राज प्रेजेंटली कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रामगढ़ हजारीबाग चतरा गिरिडीह कोडरमा एंड बोकारो क्लियर नाउ द एरियाज दैट वुड लेटर कंप्राइज द रामगढ़ राज हैड इनिशियली बिलोंग टू द राजा ऑफ छोटा नागपुर ये रामगढ़ राज दिस इज रामगढ़ राज ये शुरुआत में ये छोटा नागपुर के ही राजा के अधीन में था क्लियर नाउ फाउंडर ऑफ रामगढ़ स्टेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर थे बागदेव सिंह In the year 1368 AD. Clear. Bagdev Singh had established Ramgarh state in 1368 AD. Now, यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है बागदेव सिंह कैसे फाउंडर बने संस्थापक बने रामगढ़ स्टेट के बागदेव सिंह और उनके बड़े भाई सिंहदेव सिंह नागवंशी नरेश की सेवा में थे उनके कोर्ट में थे बाद में बागदेव सिंह और उनके भाई सिंहदेव सिंह का नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद हो गया नागवंशी राजा से अलग होकर ये लोग कर्णपुरा आ गए और यहाँ पर स्थानीय राजा को पराजित कर कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया कर्णपुरा ही बाद में रामगढ़ राज के रूप में एग्जिस्ट हुआ क्लियर बाद में नाग डायनेस्टी के रूलर प्रतापकर्ण ने भी बागदेव सिंह को कर्णपुरा का राजा घोषित कर दिया क्लियर तो यह आगे हम लोग देखते हैं बोथ बागदेव सिंह एंड हिज ब्रदर सिंहदेव सिंह बोथ बागदेव सिंह एंड हिज ब्रदर सिंहदेव सिंह किनकी सेवा में थे तो नागवंशी राजाओं के सेवा में थे सर्व्ड अंडर द नागवंशी रूलर सर्व्ड अंडर द नागवंशी रूलर नागवंशी रूलर की सेवा में थे बट कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ बट सम डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप बट सम डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप बिटवीन सिंह ब्रदर बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह सिंह ब्रदर सिंह ब्रदर एंड नागवंशी रूलर नागवंशी रूलर और सिंह ब्रदर के बीच डिफरेंसेस कुछ मतभेद आ गए एंड क्लियर नाउ बोथ ऑफ देम मींस बोथ मींस सिंह ब्रदर मूव्ड टुवर्ड्स कर्णपुरा बोथ ऑफ देम बोथ ऑफ देम कहने का मतलब है सिंह ब्रदर बागदेव सिंह एंड सिंहदेव सिंह
मूव्ड। towards Karnapura and declared himself किन्होंने डिक्लेयर किया तो उसके एक भाई बागदेव सिंह ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ राजा ऑफ द ऑफ दैट एरिया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द राजा ऑफ कर्णपुरा और दैट एरिया दैट एरिया। क्लियर। और धीरे धीरे उन्होंने 21 परगनास पर कब्जा कर लिया एंड ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड 21 परगनास एरिया एंड इसी में लिखते हैं एंड ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड 21 परगनास 21। तो हमारे लिए स्टोरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है कितना परगनास को ऑक्यूपाई किया है। इससे क्वेश्चन रहते हैं फाउंडर एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। क्लियर। नाउ रिवाइज करते हैं। Now, नागवंशी किंग प्रताप कर्ण प्रताप कर्ण ने had declared बागदेव सिंह as the king of Karnapura as king of Karnapura जिन्होंने बाद में रामगढ़ स्टेट का जो बाद में रामगढ़ स्टेट के रूप में एग्जिस्ट किया which gives rise to रामगढ़ स्टेट या फिर रामगढ़ राज। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर हम लोग देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रूलर रहे रामगढ़ राज के और कहाँ कहाँ इन्होंने कैपिटल बनाया। क्लियर। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान रहे बागदेव सिंह फाउंडर इन द ईयर 1368 AD। बागदेव सिंह ने 21 परगनास पे कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया 21 परगनास को। क्लियर। रूलर एंड कैपिटल। पहले रूलर थे जो कि फाउंडर थे बागदेव सिंह। इन द ईयर 1368 to 1402 AD। क्लियर। इनकी राजधानी थी सीसिया। जो कि रामगढ़ राज का फर्स्ट कैपिटल था। फर्स्ट कैपिटल
ये अक्सर पूछे जाते हैं, पहले राजधानी कौन सी थी। नौ, बागदेव सिंह ने ही बाद में कैपिटल चेंज करके उर्दा कर दिया। सेकेंड कैपिटल उर्दा किनके द्वारा किया गया, तो बागदेव सिंह के द्वारा ही सेकेंड कैपिटल उर्दा बनाया गया। बागदेव सिंह नाउ सेकेंड रूलर जो थे जिन्होंने अपना कैपिटल बादम कर लिया, दैट इज़ हेमंत सिंह। कहीं कहीं आपको हिम्मत सिंह भी मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं हेमंत सिंह, हेमंत सिंह बादम। जो थर्ड रूलर थे दलेल सिंह, इन्होंने अपना कैपिटल बनाया रामगढ़, दलेल सिंह। रामगढ़, फिर कोई भी ट्रिक से आपको ये याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट रूलर जो थे तेज सिंह, फोर्थ रूलर तेज सिंह, इन्होंने अपना कैपिटल बनाया इचाक। नाउ फिफ्थ रूलर जो है ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, इन्होंने अपना कैपिटल बनाया पद्मा। ध्यान रहे पद्मा ये लास्ट कैपिटल था, लास्ट कैपिटल सीसिया फर्स्ट कैपिटल, एंड रामगढ़, जो रामगढ़ था ये मेन कैपिटल था, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी ये रामगढ़, हम लोग कह सकते हैं मेन कैपिटल। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कैपिटल लास्ट कैपिटल एंड रामगढ़ के राजाओं की मूल राजधानी कौन सी थी, तो ये रामगढ़ ही होगा। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, एक और बात हमें ध्यान में रखना है, महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, सॉरी। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह जो थे वो लास्ट रूलिंग किंग थे, ही वॉज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ द रामगढ़ राज। तो इनका नाम हमें याद रखना है, ही वॉज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ रामगढ़ राज। क्लियर। इनका एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, ये कब गद्दी पर बैठे। क्लियर। तो इनको रूलिंग पावर ग्रांट किया गया इन द ईयर 1937, ग्रांटेड रूलिंग पावर कब इनको रूलिंग पावर ग्रांट किया गया, 10th of August 1937। क्लियर। 1937 को इनको रूलिंग पावर दिया गया और ये लास्ट रूलिंग किंग थे रामगढ़ राज के। क्लियर।
ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? तो ये 1937 क्वेश्चन रहता है कि हु वॉज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ द रामगढ़ राज, देन महाराजा कामाख्या नारायण सिंह। क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट रामगढ़ राज। वन थिंग आई वुड लाइक टू से एंड अश्योर यू ऑल दैट द कंटेंट इज़ वेल इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ झारखंड इंक्लूडिंग JPSC एंड JSSC। एंड द बेस्ट वे टू जज इज़ टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनी क्वेश्चन बैंक ऑफ द रिलेटेड टॉपिक। क्लियर? देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।